रामम प्रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर राम इंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जय भाई श्री और राम बहनों, सर। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। भाई और बहनों, आज के क्लास में आपका स्वागत। जैसा आप जान रहे हैं, आप हम सब इस रामायण अध्ययन क्लास में हैं। हम सभी यहाँ विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी भाव से एकत्रित होते हैं। जैसा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, परमात्मा जिसको जैसा बना देता है वैसे वो बन जाता है। तो आज विनीता जी हमारी शिक्षिका हैं, तो आज ये शिक्षिका हैं। जिस दिन आप पढ़ और पढ़ा रहा हो, ये भी विद्यार्थी होंगे, तो यही राम जी की माया है। तो अब तक पिछले 2 सप्ताह से 3 सप्ताह से हम भगवान राम ने एक मनुष्य का रूप क्यों धारण किया और मनुष्य के रूप में क्यों प्रकट हुए, उस पर जो विविध कथाएं उस पर वार्ता हुई। गत सप्ताह राजा प्रताप भानु की वार्ता शैल देवी ने की थी और रावण आदि का जन्म और उनका जो अत्याचार हुआ उस पर थोड़ी सी चर्चा की। और बाद में भूमाता जो इनके कष्टों से परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है, तो देवी देवताओं के साथ भगवान नारायण की, और उसके बाद में नारायण जी भगवान नारायण जब आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, मैं आता हूँ तुम्हारे के लिए। इसके बाद की जो कथा है आज आदरणीय मृदा मिश्र जी कहेंगी। अब इसको कथा को कथा मैं कथा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, शायद कथा शब्द का पता नहीं अर्थ क्या है, पर मेरा कहने का मैं जब ये कथा शब्द का प्रयोग करता हूँ, ये एक कथा नहीं है, पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। कथा तो बहुत जगह सुनने को मिलती है और कथा का बड़ा आनंद है, पर यहाँ रामायण को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, उसका क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है और उसकी जीवन में क्या है। सो हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए स्वयं अध्ययन बहुत आवश्यक है इसका। जितना आप स्वयं अध्ययन करेंगे उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए साप्ताहिक एक छोटी सी क्विज रखी है, जैसे क्विज पोस्ट हो आप उसको करने का प्रयास करें। तब और आप अब जैसे आज आज की क्लास के बाद में क्विज पोस्ट हो जाएगी, वो अगले सप्ताह में जो चर्चा की उस पर क्विज होगी। आप देख ही रहे, और उसका उसका बिल्कुल ये उल्टा है, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्लास पढ़ाने के बाद में क्विज होती है, एग्जाम होते हैं, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। उसके पीछे तात्पर्य यही है कि हम स्वयं ब्राह्मण को खोलेंगे और पढ़ेंगे, और तो अगली क्लास आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि आप पढ़ के आए हुए हैं, और जब तो और पढ़ाने वाले को भी आनंद आएगा, पढ़ाने को आनंद आएगा। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप क्विज को अवश्य दें, और आपका आपके ज्ञान में वृद्धि हो आप और आपको ज्यादा आनंद आए। सो बस मेरे 5 मिनट हो गए, मैं अपने समय मर्यादा में हूँ, और आदरणीय विनीता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज हमें आगे रामचरितमानस का अध्ययन करवाएं। जय श्री राम, आपका स्वागत है। सभी को जय सियाराम। आज मैं रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 187 से आरंभ कर रही हूँ। ब्रह्मा जी के आश्वस्त करने के पश्चात कि भगवान नर रूप के धरा पर आएंगे और सबके कष्टों का निवारण करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग वानर का शरीर धर के धरा पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करिए। ऐसा आश्वासन जब ब्रह्मा जी ने दिया तो सारे देवता अपने अपने धाम को, अपने अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
उसके पश्चात सभी देवताओं ने वनचारी जीवों की देह धारण करी और धरती पर जाकर के भगवान के जन्म या अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। सिर्फ खाली बैठकर प्रतीक्षा नहीं करने लगे, वह प्रयासों में जुड़ गए, अपना संगठन बढ़ाने लगे, अपने शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने लगे। क्योंकि वनचारी जीवों का शरीर धारण किया था, इसलिए जो प्राकृतिक रूप से उनको आयुध प्राप्त थे वन में, उनका शारीरिक बल, पत्थर, पाषाण, वृक्ष इत्यादि, उनके द्वारा भी अपने शारीरिक सामर्थ्य को, शारीरिक बल को बढ़ाने लगे और अपनी सेनाओं का संगठन करने लगे, ताकि जब भगवान अवतरित हो तो धरा पर जो कष्ट है उसके निवारण में वे अपना अपना शक्ति बल का योगदान भगवान के कार्य के लिए कर सके। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, यह सब रुचिर चरित में भाखा अब सो सुनहु जो चहिरा था। अब जो कथा बीच में छोड़ दी थी दशरथ और कौशल्या माता की, जो पूर्व जन्म की, उनके भगवान को अपने पुत्र के स्वरूप में पाने की, कहते हैं कि अब हम कथा को वहां पर फिर से ले चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनीराम वेद विदित तही दशरथ नाव। अयोध्या के राजा थे जिनका नाम दशरथ था, जो धर्म के धुरी को धारण करने वाले थे और हृदय में उनके धनुर्धारी भगवान की छवि अंकित थी और उन्हीं की भक्ति में लगे रहते थे। उनकी कौशल्यादि जो प्रिय रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि, वो सब भी राजा की ही भांति शुभ आचरण का पालन करने वाली थी और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। राजा दशरथ अपने राजकाज को संभालते हुए प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ चले थे। एक बार उनके मन में इस प्रकार की ग्लानी हुई कि मेरी इतनी आयु हो चुकी है, इतनी वय हो गई है, लेकिन मेरे कोई भी पुत्र नहीं है, कोई पुत्र की प्राप्ति मुझे अभी तक नहीं हुई है। ऐसा विचार आया तो उनके मन में शोक पैदा हुआ और वह अपने शोक के निवारण के लिए अपने गुरु के पास तुरंत चले गए। गुरु के पास जाकर उन्होंने अपने सुख दुख का वहां पर सब वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने, उनके गुरु वशिष्ठ जी ने फिर राजा को बहुत समझाया बुझाया और उनसे धीरज धारण करने को कहते हुए कहा कि आप चिंता त्याग दीजिए और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्ट यज्ञ संपन्न करवाइए, शीघ्र ही आपके यहाँ पुत्र जन्म होगा और एक नहीं आपके चार चार पुत्र उत्पन्न होंगे। वशिष्ठ जी ने जो विचार करके इस प्रकार जब राजा को बताया तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और उन्होंने पूर्ण विधि विधान के साथ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथ में एक पायस थी जिसको प्रदान किया उन्होंने राजा दशरथ को कि आपकी मनोकामना की पूर्ति इस प्रसाद के द्वारा हो जाएगी। राजा दशरथ ने उस पायस को, उस खीर को या उस चर को अपनी रानियों कौशल्या और कैकेयी के मध्य बांट दिया और उनको ही यह अधिकार दिया कि आप उचित भाग लेकर के इसको बांट दीजिए। तो कौशल्या और कैकेयी ने उसमें से एक एक भाग सुमित्रा को दे दिया। समय बीतने पर रानियां गर्भवती हुई और इस प्रकार जैसे ही भगवान गर्भ में आ गए, एक सकारात्मक ऊर्जा से पूरा वातावरण, पूरी धरा भर उठी और महल में रानियां तेज से शोभायमान होकर के शोभित होने लगी। इस प्रकार गर्भकाल का समय बीता और भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। वह लगन, वह ग्रह, वह तिथि, वह वार जो सब तरह से शुभ था, वह दिन घड़ी आ गई, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस घड़ी में भगवान प्रकट होने हुए वह दिन घड़ी समय सब शुभ ही हो गया। बहुत सुंदर बात यहाँ पर, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी की तिथि है, मधुमास का महीना है, शुक्ल पक्ष है और अभिजित मुहूर्त है जो भगवान को अति प्रिय है। मधुमास के महीने में वसंत ऋतु आती है जो ऋतुओं का राजा है और भगवान एक राजा के घर में अवतार ले रहे हैं, नर रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो उन्होंने जो काल सुना, जो महीना सुना, चुना जो ऋतु चुनी, वो भी सब राजा की ही भांति है। और जब उनका जन्म हुआ तो मध्य दिवस था, दिन के सभी लोग जानते हैं कि ना तो बहुत शीत था ना गर्मी थी, बहुत ही सुंदर वातावरण था उस समय, शीतल और सुगंधित वायु बहती थी। ऐसे अवसर पर नदियों में अमृत के समान जल बह रहा था। जब ब्रह्मा और अन्य देवताओं को भगवान के जन्म का समय
का बोध हुआ कि अब भगवान धरती पर आने वाले हैं, तो गगन मार्ग से सभी लोग भगवान के प्राकट्य के इस सुंदर अवसर को देखने के लिए नभ में उपस्थित हो गए और वहां से ही उन्होंने पुष्पों की वर्षा करी, हर्ष उल्लास के रूप में नगाड़े बजाए और स्तुति वहां से ही मुनियों ने देवताओं ने गाई। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हुआ और देवता लोग मुनि लोग वहां से भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए, क्योंकि वह सब आश्वस्त हो गए थे कि ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था वैसा ही हो चुका है। यहाँ पर जो स्तुति है वो बहुत ही सुंदर स्तुति है। कौसल्या माता किस प्रकार से भगवान के प्राकट्य का दर्शन कर रही हैं, साक्षात दर्शन कर रही हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के उनको दर्शन दे रहे हैं। कौसल्या माता और दशरथ, दशरथ प्रतीक हैं मन के और कौसल्या कुशल बुद्धि के रूप में प्रतीक, उनका कुशल बुद्धि का प्रतीक है और भगवान उनको, जिनका मन शुद्ध होता है बुद्धि शुद्ध होती है उनको ही साक्षात रूप में भगवान दिख सकते हैं। भगवान प्राकट रूप में दिखने के लिए हैं, भगवान खाली कल्पना करके सोचने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हीं को दिखते हैं जिनके मन दशरथ के समान और बुद्धि कौशल्या के समान होती है। अब और इससे पहले हमें यह भी याद रखना है कि कौशल्या माता ने वरदान मांगा था कि जब आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें तो मुझे इस बात का ज्ञान रहे, मुझे इस बात का बोध रहे कि आप ईश्वर हैं। तो इसलिए भी माता कौशल्या को वो पुत्र रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में उनको बोध हो रहा है कि ये परमात्मा ही है। और माता उनकी दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करती हैं, अनेक प्रकार से स्तुति करती हैं और चकित हैं। उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसके रोम रोम में, वेद ऐसा कहता है कि जिसके एक एक रोम में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निवास करते हैं वो मेरे गर्भ में कैसे समाया होगा, क्योंकि राम जब सब जगह रमता है और सब उसमें ही रमते हैं तो ये ईश्वर के लिए कोई भी बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। जो सब कुछ कर सकता है वो गर्भ में भी समा सकता है। ऐसा माता कौशल्या जब भगवान से कहती हैं तब भगवान ही उनको ये बोध दिलाते हैं कि आप ही की इच्छा ऐसी थी कि आपको बोध रहे कि मैं ईश्वर हूँ, परंतु माता कौशल्या फिर अपनी ही इच्छा से उनको शिशु रूप में भी पाना चाहती हैं ताकि वह वात्सल्य भाव को भी महसूस कर सकें। माता के लिए वात्सल्य भाव से बढ़कर कोई दूसरा भाव नहीं होता है। उनकी इस इच्छा के होते ही भगवान शिशु रूप में आ जाते हैं और बालक की तरह, नवजात शिशु की तरह रुदन करने लगते हैं। तब माता इस सुख से भर जाती हैं जिसका कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती है। इस स्तुति को सभी लोग बहुत प्रेम से गाते हैं और भगवान विप्रधेनु सुर संत हित, इन सब का कल्याण करने के लिए ये सब वही लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाते हैं। तो जब इन पर संकट आता है तो भगवान मनुष्य का अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं, लेकिन उनका ये जो शरीर है ये उनकी अपनी इच्छा से निर्मित है। जिस प्रकार सारी सृष्टि की रचना भगवान की इच्छा से माया करती है जो गुणों के और तत्वों के अधीन होती है, परंतु भगवान का ये शरीर माया गुण और तत्वों से परे है, उनकी अपनी इच्छा से रचा गया है। बालक का रुदन सुनकर के पूरे महल में बालक के जन्म का समाचार फैल जाता है और दशरथ तक जब ये समाचार पहुंचता है तो दशरथ, जिन्होंने जबकि मांगा यह था कि उनको सदा पुत्र प्रेम की ही अनुभूति हो भगवान के पुत्र रूप में आने से, तब भी उनको परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। पर ब्रह्म जब आपके साक्षात आएगा, आपके मन में अवतरित हो या आपके आंगन में अवतरित हो, आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति कराएगा ही कराएगा। तो पुत्र भाव में पाते हुए भी दशरथ को आनंद वही मिल रहा है जो ब्रह्मानंद कहलाता है और उनको इस बात का बोध हो जाता है कि जो जिसका नाम ही सब शुभ को करने वाला है वही भगवान मेरे घर में आ गया है। बस दशरथ को इसी क्षण इस बात का बोध होता है, इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ पुत्र भाव में ही रमे रहते हैं और माता कौशल्या को सिर्फ इस समय पुत्र भाव का बोध होता है और इसके बाद वो उनके ईश्वर रूप परमेश्वर रूप ब्रह्म रूप में ही रमी रहती है। फिर गुरु वशिष्ठ के यहाँ बुलावा भेजा जाता है। गुरु वशिष्ठ आकर के पुत्र जन्म के, जितने भी जन्म के समय जो
संस्कार होते हैं उनको कराते हैं, क्योंकि सभी जीव जन्म के द्वारा ही संसार में आते हैं, इस धरती पर आते हैं। केवल मनुष्य ऐसा है जिसको संस्कार के द्वारा संस्कृत किया जाता है और वह मनुष्यता को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा फिर वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को पाने के लायक बनता है। यही हम इसको शिक्षा कह लें, संस्कार कह लें, संस्कृति कह लें। ये हर जगह, जहां भी सभ्यताएं हैं, हर जगह किसी न किसी रूप में बालक को संस्कृत किया ही जाता है। इसके पश्चात पूरे नगर में जब पुत्र जन्म, बालक के जन्म का समाचार फैलता है, तो सारा नगर ही आनंद में और उत्सव में डूब जाता है। अनेक प्रकार की तरह तरह की हर्षोल्लास से नगर को सजाया जा रहा है, निछावर दी जा रही, बधाइयां, बाजे गाजे, लोग खुशियां ही खुशियां चारों तरफ मना रहे हैं। इसके पश्चात ही थोड़े दिन के पश्चात कैके और सुमित्रा भी पुत्र जन्म देती हैं। कैके एक पुत्र को और सुमित्रा दो पुत्रों को जन्म देती हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जिनको यज्ञ का जो प्रसाद था दशरथ ने दिया, उनको केवल एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जिनको कौशल्या और कैकेयी माताओं ने दिया था, उनको दो पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उनका ही अंश जो है अंशी के रूप में जन्म लेता है, तो राम के अंश के रूप में लक्ष्मण और भरत के अंश के रूप में शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। इसलिए राम के अंशी कहलाते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भरत के अंशी कहलाते हैं। राम लक्ष्मण को रामानुगामी भी मानते हैं और भरत दास भाव में वहां पर आए हैं और शत्रुघ्न जी दासानुदास के रूप में वहां पर अवतरित हुए हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था कि मैं अपने सभी अंशों के सहित आपके घर में जन्म लूंगा। इसके बाद इतना हर्ष उल्लास, वेदों की दुनिया, सब तरह का उत्सव अयोध्या में इस कदर चलता है, इस भली प्रकार से उत्सव में सब लोग डूब जाते हैं कि किसी को काल का बोध नहीं रहता, किसी को दिन रात का ख्याल नहीं रहता, सुबह से शाम, शाम से रात, तो ऐसा लगता है। और उत्सव का वातावरण है, चारों तरफ प्रकाश है, दीप जल रहे हैं, नाच गाना, ढोल ताशे सब बज रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दिवस वहीं पर ठहर गया हो, महीने भर तक ये उत्सव होता रहा। तो ये चकित हो गए हैं सब लोग कि क्या वास्तव में सूर्य ठहर गया है, अपनी गति को भूल गया है, या भगवान के आने से जब हर्ष में सारा संसार डूब जाता है तो काल की गति रुक जाती है, क्योंकि भगवान काल के परे है। जब हम उनके संपर्क में, उनके ध्यान में, उनके प्रेम में डूबते हैं तो काल को भूल जाते हैं। इसे ही कहते हैं काल से परे होना। यह रहस्य किसी को भी पता नहीं चला और सूर्य भगवान आते रहे, जाते रहे या रुके रहे, बहरहाल एक महीने के बाद वो भगवान का गुणगान करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि काल को तो सृष्टि चलाने के लिए अपनी गति से चलना ही पड़ता है। यहीं पर शंकर भगवान के द्वारा ये कथा, क्योंकि पार्वती माता को सुनाई जा रही है, तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा भाग्य अयोध्या वासियों का हो गया कि वो राम जन्म हुआ और उन्होंने उस आनंद को इतने अच्छे से उठाया, तो हम क्यों वंचित रह जाएं। तो कहते हैं कि हमने भी एक छोटी सी चोरी करी और हम और कागभूषण जी भी वहां पर मनुष्य रूप में अयोध्या के नगर वासियों के रूप में वही सम्मिलित रहे और हमने भी इस जन्मोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। मन संतोषे सबन के जहां तह देई आशीष सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के। सभी लोग आ रहे हैं, बालक का दर्शन कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और राजा दशरथ तो अपना धन धान्य सब कुछ दान करने में दिल खोल के दान कर रहे हैं। कछुक दिवस बीते ही बाती जाति न जाए जानिए दिन अरुराती। इसके पश्चात एक महीने के पश्चात नामकरण का अवसर आता है और फिर से वशिष्ठ मुनि को बुलाया जाता है। वशिष्ठ मुनि बहुत सुंदरता के साथ बड़े ज्येष्ठ पुत्र का, जो आनंद की सिंधु है, सुख की राशि है और जो सब में रमता है सृष्टि के रूप में, परंतु मुनि लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग अपनी साधना के द्वारा जाकर उसमें रम जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पे रमने से उनको विश्राम मिलता है। उस पुत्र का नाम वशिष्ठ मुनि राम रखते हैं और राम की कृपा से जो भरण पोषण करने में सक्षम होता है उसका नाम भरत रखते हैं। और जिसके स्मरण करने से, भरण पोषण के बाद रक्षण का ही कर्म आता है, तो जो सबका रक्षा करने में समर्थ है उस पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखते हैं।
और जो केवल और केवल राम के चिन्ह से, राम के लक्षणों से युद्ध है और राम की ही ओर उसका सदा अनुगमन रहने वाला है, ऐसे शुभ लक्षण वाले बालक का नाम वशिष्ठ मुनि लक्ष्मण रखते हैं। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। तो राम और लक्ष्मण में बहुत प्रीति है और भरत और शत्रुघ्न में बहुत प्रीति है, क्योंकि यहाँ पर अंश और अंशी का जो सहज स्वाभाविक रूप है वो प्रकट होता है, इसलिए राम और लक्ष्मण एक ही अंश से बने हैं, भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे अंश से बने हैं, इसलिए वो दोनों परस्पर हमेशा मिले हुए से रहते हैं। ऐसे दो सुंदर सांवले रंग के भाई हैं और दो गोरे रंग के पुत्र हैं, ऐसे सुंदर पुत्रों को देख करके माताएं अक्सर उनकी नजर उतारने के लिए तृण तोड़ती रहती हैं। और चारों ही भाई गुण के धाम हैं, सुख के सागर हैं, अर्थात उनके जन्म के कारण महल से लेकर अयोध्या तक सभी लोग हर्ष आनंद और सुख में डूबे हुए हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर नासा। भगवान के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का निवास है, परंतु जिस प्रकार चंद्रमा की अनुभूति हमको, उसकी शीतलता की अनुभूति हमें उसकी किरणों के द्वारा होती है, तो भगवान के हृदय में जो चंद्रमा रूपी कृपा निवास करता है, वो बालक के रूप में जब भगवान हंसते मुस्कुराते हैं तो वो उसी प्रकार का आनंद, उसी प्रकार की शीतलता अयोध्या वासियों को और माता पिता को प्रदान करती है। अब यहाँ से भगवान के शिशु चरित का बहुत सुंदर वर्णन है कि कभी वो पालने पे रहते हैं, कभी नीचे उछल के चले आते हैं, कभी खेलते हैं कूदते हैं, उनकी सुंदरता पर करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर होते हैं, उनके वस्त्र का, आभूषणों का, उनके आभूषणों की सुंदर सुंदर ध्वनियों का बहुत सुंदर वर्णन है पूरे इस प्रसंग में। भगवान के रूप रंग अंग अंग का भी वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। इस प्रकार धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो रहे हैं। ए विद राम जगत पितु माता, कोसलपुर बासिन सुखदाता। इस प्रकार शिशु चरित करते हुए सभी को, कोसल वासियों को सुख प्रदान करते हुए, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनका यह गति प्रगट भवानी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय माखे। जिस भगवान से माया भी भय खाती है, वह भगवान खेल कूद करके, छोटी छोटी हरकतें करके अध्यावासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये आनंद अगर आपको पूरा का पूरा उठाना है तो एक एक चौपाई पढ़िए, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ब्रकुटी बिलास नचावही ताही, अस प्रभु छाड़ी भटी को काई। जो भगवान भक्तों के प्रेम के खातिर इस प्रकार बालक रूप आकर के और छोटी छोटी लीलाएं करके, सुंदर सुंदर चरित करके आनंद दे रहे हैं, ऐसे ही भगवान को सब छल कपट छोड़ करके भजना चाहिए। सभी माता पिता भगवान के पुत्रवत रूप में, पुत्र लीला के रूप में बिल्कुल मगन है, उनको रात और दिन का कुछ भी बोध नहीं होता है। तो माता फिर न भूल जाएं कि ये बालक है, ये पुत्र है, ये भगवान है, ये भूल ना जाएं, और उन्होंने वचन दे दिया था कि ऐसा ही होगा, तो भगवान फिर उन्हें बोध कराते हैं। और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि एक बार माता कौशल्या भगवान को नहला धुला कर सुला करके पालने में लिटा देती हैं और फिर अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए नैवेद्य बनाती हैं रसोई में, और पाक बना करके जब अपने इष्ट देव को भोग लगाने पहुंचती हैं तो देखती हैं उनका बालक वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है और उस भोग को ग्रहण करता है, कर रहा है। तो वो घबराती हैं कि मैं तो इसे शयन कक्ष में झूले में पालने में सुला कर आई थी, भागती हैं वहां पर जाके कि यहाँ कैसे आ गया। तो जब वहां जाकर देखती हैं तो वहां पालने में शिशु राम को सोता हुआ पाती हैं। फिर वो भाग के अपने इष्ट के पास आती हैं, देवता के पास आती हैं, और वहां पर फिर वैसे ही पाती हैं। तो उनके मन में अधीरता आ जाती है, घबरा जाती हैं और जैसे एंजाइटी हो जाती है, इस प्रकार से वो कांपने लगती हैं कि दो दो बालक देख रही हूं मैं, ये सत्य है या मेरा भ्रम है। जब वो ऐसे व्याकुल हो जाती हैं तो भगवान हंस देते हैं और हंस के उनको अपना विराट रूप दिखा के फिर उनको याद दिला देते हैं कि हे माता, तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे कभी ये ज्ञान न जाए कि तुम परमपिता परमेश्वर हो, और तुम तो मगन हो गई मुझे उसी तरह बच्चे की तरह खिलाने लगी। तो इस प्रकार उन्होंने फिर से उनको इसका बोध कराया, अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। उस विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद माता को उन्होंने फिर ऐसा
वरदान दिया कि फिर आपको कभी भी ये सांसारिक माया व्याप्त नहीं होगी, चाहे जैसे भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसमें माया मोह से कभी भी आप अब विचलित नहीं होंगी। और आगे हम लोगों ने पूरी कथा में इस बात को हमेशा पाया है कि कुछ भी हुआ हो पर माता को बुद्धि सदा स्थिर रही, वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं हुई। और ऐसी ही माता का ऐसा पुत्र हो सकता है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, संभाव में रहे। पर भगवान ये भी कहते हैं कि इस बात को किसी से कहना नहीं जाकर, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे वचन हैं, रावण का मनुज रूप में ही वध करना है। अगर ये बात बात की बात में फैल गई कि कौशल्या का जो पुत्र है वो तो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है, तो फिर रावण का वध नहीं हो पाएगा। और इसी जन्म में भगवान को अनेक कार्य करने हैं, अनेक लोगों का उद्धार करना है, अनेक लोगों के साथ जो उन्होंने वचन दिए हैं उसे निभाना है। तो फिर बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा अति आनंद दासन कह दीना, इस प्रकार अनेक प्रकार के बाल चरित भगवान करते हैं और अपने चाहने वालों को सबको बहुत आनंद देते हुए बड़े होने लगते हैं। फिर उनका चूड़ा करना, मुंडन का संस्कार किया जाता है। जितने भी संस्कार जब भगवान के होते हैं तो राजा दशरथ खुले हृदय से खूब दान दक्षिणा देते हैं, और जो दान दक्षिणा वो जिसको देते हैं, चाहे वो जो भी दे रहे हैं, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, जमीन, वो सब कोई अपने पास नहीं रखता है। इतना आनंद में डूबा है कि उठा उठा के अगले को दे देता है। इसका तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी माया धन संपत्ति ये चंचल होती है, ये आपके पास आए तो इसका आदर करिए और इसको तुरंत आगे बढ़ा दीजिए। आप जिनको जरूरत है उनको दे दीजिए, अन्यथा वो आपके घर में कोई ना कोई रूप लेके वहां से चलती बनेगी, वो ज्यादा दिन ठहर के रहने वाली नहीं है। इसलिए आप उस अर्थ को अर्थ रहने दीजिए और सुंदर कार्यों में उसको लगाते रहिए। इसके बाद भय कुमार जब ही सब भ्राता तीन जने हो गुरु पितु माता, जब किशोरावस्था में पहुंच गए तो उनका यज्ञोपवीत करके उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। और जिनकी एक श्वास से वेदों का सारा ज्ञान निकलता है, सारा ब्रह्मांड निकलता है, सारी सृष्टि रचती है, ऐसे भगवान जाके गुरुकुल में शिक्षा पाते हैं, विद्या सीखते हैं और थोड़े ही समय में सारी विद्याएं आ जाती हैं। राज घरानों के जो खेले जाने वाले खेल हैं वो खेलते हैं वो सभी के साथ वहां पर, और शीघ्र ही फिर वो छोटे छोटे हाथों में धनुर्विद्या का भी शिक्षा धनुर्विद्या की भी शिक्षा लेने लगते हैं। धनुष धारण किए हुए छोटे छोटे बालक रूप में चारों भाई अयोध्या की गलियों से जब गुजरते हैं तो सब लोग बस उनको देखते के देखते ही रह जाते हैं, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब उनके रूप से मोहित हो जाते हैं। अपने सखा और भाइयों के साथ में राम मृग्या भी सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है मृग्या करना। यदि वो मृग्या नहीं करेगा तो वो रक्षा करने के कार्य को संपन्न कभी नहीं कर सकेगा। मृग्या करते हैं और बिल्कुल बालकों की बात, जो मृग्या करते हैं आके अपने माता पिता को, जो भी बच्चा जब कुछ अचीव करता है तो सबसे पहले प्रसन्न होकर माता पिता को बताता है। तो इसी प्रकार भगवान भी जो मृग्या करते हैं उसको लाके अपने पिता को बताते हैं। और जो मृग्या के द्वारा पशु जिनका वध करते हैं राम बालक के रूप में, वो सबको अपने अपने लोक में भेज देते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो जब मृग्या भी कर रहे हैं तो ऐसा उसका वध करते हैं कि उस जीव को मृत्यु पाने में कोई कष्ट नहीं होता है, वह तुरंत सहज रूप से अपने प्राण को त्याग देता है और इस प्रकार वो भगवान के लोक को प्राप्त हो जाता है। जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहिं अनुजन समुझाई। खुद तो वो वेदों का ज्ञान लेते ही हैं और जो भी विद्या सीखते हैं फिर उसको वो अपने छोटे भाइयों को समझा बुझा के बहुत अच्छी तरह से उनको भी सिखाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान, कहा गया था ना कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं, तो धर्म की स्थापना यही है कि मनुष्य का कैसा आचरण होना चाहिए। सदाचारी मनुष्य जब सदाचारी होता है वही धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान हर आचरण, हर अपनी आयु में, हर अपने जब जो उनका काल चल रहा है तो जो सुंदर आचरण होना चाहिए उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं तुलसीदास जी, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मांग करहिं पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। अब वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं कि अपने पिता की आज्ञा लेकर के राज काज भी संभालने लगे हैं, छोटा मोटा काम राज का भी देखने लगे हैं।
व्यापक अकल अनिह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनिह। यह सब इस प्रकार भगवान की जब आरंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई और वो थोड़े थोड़े काम भी राजकाज के संभालने लगे, इधर विश्वामित्र मुनि महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र अपने वन में अपने आश्रम में निवास करते हैं और विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि संपन्न करवाया करते हैं, परंतु वन प्रदेशों तक रावण के अत्याचार के रूप में अनेक राक्षस जो है अतिक्रमण कर चुके हैं वन प्रदेशों में, जो आर्यावर्त के वन प्रदेश हैं, और वो शांति से ऋषि मुनियों को अपना काम यज्ञ इत्यादि नहीं करने देते हैं, वहां पर उद्दंडता मचाते हैं, ध्वंस करते हैं, उनको वध करते हैं। तो विश्वामित्र सोचते हैं मन में कि देखत यज्ञ निसाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निसिचर पापी। विश्वामित्र ये बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके उनको चिंता होती है और आर्य संस्कृति का किस प्रकार संकट गहराया हुआ है ये उनको चिंता व्याप्ती है, और देख रहे हैं इस धरा पर कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो इन दुष्ट निशाचरों को, इन अनैतिक आचरण करने वालों को अपने नियंत्रण में कर सके। तो उनको लगता है कि अब भगवान के बिना इनका नियंत्रण संभव नहीं है। वे अपने ज्ञान के द्वारा ये उनको बोध हो जाता है कि भगवान तो धरती पर अवतरित हो चुके हैं, तो सोचते हैं कि क्यों ना चल के मैं भगवान के दर्शन करूं, देखूं कि वो अवतरित हुए हैं, उनसे विनती करूं और दोनों भाई को लेकर के यहाँ आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भर आयना। ये विचार करके ये मनोरथ मन में लेकर के विश्वामित्र के अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं, और अयोध्या पहुंचते हैं तो दरबार में पहुंचने से पहले वह सरयू नदी में स्नान करते हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब हम कहीं भी किसी राजसी उसमें मिलने जाते हैं तो हमें किस प्रकार से जाना चाहिए, हमको वहां के जो भव्यता है, जो वहां का प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। जब दरबार में पहुंचते हैं और राजा दशरथ विश्वामित्र के आगमन के बारे में सुनते हैं तो राजा दशरथ भी उसी प्रकार प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और अपने साथ ब्राह्मण समाज को लेकर के विश्वामित्र की अगवानी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं उनके सम्मान में। उसके बाद अपना आसन प्रदान करते हैं विश्वामित्र को बैठने के लिए। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जिसको सामने वाले को दंडवत प्रणाम करता है, अर्थात वह अपने आप को उसके सामने दंड की भांति प्रस्तुत कर देता है कि अब मैं आपके लिए एक दंड के समान हूँ, आप जैसे चाहें वैसे मेरा संचालन कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो विश्वामित्र को आसन पे बैठा करके उनका पूजा सत्कार इत्यादि करते हैं, उसके पश्चात उनको जलपान भोजन इत्यादि कराते हैं। विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के इस आचरण को, इस प्रकार आतिथ्य भाव को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को बुलाते हैं और उनसे भी मुनि के चरण स्पर्श करवाते हैं, प्रणाम करवाते हैं। वहां पर राम को देखते ही मुनि अपने सुध बुध भूल जाते हैं और मगन हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके अपने आप को भूल गया हो। तब राजा दशरथ अब विश्वामित्र से पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, आप बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, अपने आने का कारण बताएं। ये नहीं कि आए और पूछे और फटाफट बस पूछने लगे कि भाई क्यों आए। तो देखिए, एक एक चीज हमको रामचरितमानस की कथा सिखाती है कि कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए जब हम कहीं जाएं और कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए जब कोई हमारे पास आए। तब विश्वामित्र अब बताते हैं कि हे राजन, मुझे असुरों का समूह बहुत सताता है। पूरी डिटेल में बात बताते हैं और कहते हैं मैं तो याचना करने आया हूँ कि तुम छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम को मुझे दे दो ताकि ये राक्षसों का वध करके मुझ अनाथ को सनाथ कर दे। अब देहु भूप मन हर्षित तजहु मो अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। कह
कहते हैं कि तुम मुंह मत करो, ये केवल तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये केवल तुम्हें सुख देने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं, ये और भी बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे माता पिता अपने बच्चे को अपने ही पास रखना चाहते हैं, अपनी छाती से लगाए रखना चाहते हैं, पर हर व्यक्ति की संतान एक इंडिविजुअल प्राणी भी होती है जो इस संसार में कुछ अन्य करने आई है, सिर्फ आपको संतान सुख देने नहीं आई है। उसी प्रकार राजा विश्वामित्र राजा दशरथ को भी चेताते हैं, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन का अति कल्याण, इसी से इनका कल्याण होगा और तुम्हें भी यश की प्राप्ति होगी और यही धर्मोचित कार्य होगा। तो ये हम सबके भी समझने के लिए है कि हम अपनी संतान को धर्मोचित कार्यों में लगाएंगे और अपने मोह को त्यागेंगे, तभी हमारा और संतान सबका यश भी होगा और संसार का कल्याण भी होगा। पर राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो दुखी हो जाते हैं, उनका हृदय कांप उठता है सिर्फ इस कल्पना से कि राम उनको छोड़ करके विश्वामित्र के साथ जाएंगे। कहते हैं कि मैंने बुढ़ापे में तो पुत्र का सुख पाया है, अब आप कहते हैं कि इनको हम आपके साथ भेज दें, आपको जो कुछ भी चाहिए, मेरी धन दौलत भूमि खजाना सेना जो कुछ भी चाहिए मैं आपको सहर्ष देने को तैयार हूँ, प्राणों से प्रिय तो जीव को कुछ भी नहीं होता है, अगर आप प्राण देने को कहेंगे तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा और अपने प्राण भी दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे मेरे पुत्र मत मांगिए, मुझे वैसे तो सारे ही पुत्र बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम को देते मुझसे नहीं बनता है। कहने से चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा, आपने अभी खुद ही कहा कि कैसे भयानक भयानक राक्षस हैं जो विध्वंस फैलाते हैं, बड़े विशाल काय हैं, दुर्धर्ष हैं, ऐसे में मेरे बालकों को देखिए तो अभी किशोरावस्था में छोटे छोटे कोमल शरीर वाले ये भला क्या कर पाएंगे। तो सुनी नृप गिरा प्रेम रस हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, जब विश्वामित्र ने देखा कि इनका मोह तो जा नहीं रहा है, तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया है और राजा दशरथ के इस मोह को दूर किया है, तब राजा दशरथ ने आदर सहित अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, उनको हृदय से लगाया और उनको पूरी शिक्षा दी, उनको विश्वामित्र के सुपुर्द किया और अभिभावक आज से यही तुम्हारे हैं, माता पिता यही तुम्हारे हैं, यानी हर आज्ञा का इनकी पालन तुमको उसी प्रकार से करना है जैसे तुम यहाँ पर रहते हुए मेरी और अपनी माताओं की और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करते थे। ऐसी शिक्षा देकर के राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए विश्वामित्र को सौंप दिया, लेकिन राम अपने पूरे आचरण का पालन करते हैं और विश्वामित्र के साथ जाने से पहले माता कौशल्या के पास जाते हैं उनसे आज्ञा लेने के लिए। यह चरित्र हम लोग राम का आगे भी देखेंगे। और दोनों वीर बालक ऐसे जब जा रहे हैं मुनि के भय को हरने के लिए, तो ऐसा लगता है कि पुरुषों में सिंह के समान, जिनको कोमल समझ रहे हैं राजा दशरथ, वो विश्वामित्र के साथ जब जा रहे हैं तो सिंह स्वरूप लग रहे हैं। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण, जिस कारण उन्होंने अवतार लिया है उसका प्रथम चरण करने के लिए भगवान विश्वामित्र के साथ चल पड़े हैं। तो महल से निकाल करके, राजा दशरथ के आंगन से निकाल करके विश्वामित्र उन्हें संसार के आंगन में ले जा रहे हैं और संसार को सौंप रहे हैं कि हे राम तुम खाली दशरथ और कौशल्या के नहीं हो, ये सारा संसार कष्टों से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत अत्याचार है, बहुत शोषण है, आओ और संसार को देखो और संसार के सभी लोगों के कष्ट दूर करो और सभी को आनंद प्रदान करो। यहाँ से नींव पड़ जाती है राम के वनवास की और राम के जीवन की। यह शायद दूसरी यात्रा है जो उनके जीवन काल की चार यात्रा है, जिसमें से दूसरी यात्रा जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके भविष्य के लिए, उसका आरंभ हो जाता है। दोनों भाई विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं और विश्वामित्र इतने संतुष्ट और आनंद मग्न हैं जैसे उन्होंने महानिधि पाली हो, और जिसके साथ राम चलेंगे वो इस प्रकार के भाव से अवश्य ही भरा हुआ होगा। जैसे ही विश्वामित्र अपने आश्रम के नजदीक पहुंचते हैं तो तारका देखती है और उसको भी सब खबर है, उसके भी अपने सारा गुप्तचर विभाग है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे ही नहीं अपनी रक्ष संस्कृति को फैलाती चली जा रही है। तो वो आक्रमण करती है इनके ऊपर तुरंत, और जैसे ही विश्वामित्र की इच्छा देखते हैं राम एक बाण उठाते हैं और तारका का वध कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि राम जिस
कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, दुष्टों के संहार के लिए, वहां उन्होंने प्रथम वध एक स्त्री का किया है। और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, जबकि आजकल लोग बड़े आसानी से बोलते मिल जाते हैं कि औरत हो वरना भी तुम्हें सबक सिखा देता कि मैं क्या कर सकता हूं। तो यह भी ब्रह्म कभी भी लिंग भेद नहीं करता है, और अत्याचारी अत्याचारी, वो स्त्री है कि पुरुष है, ये कोई मायने नहीं रखता। जब हम इस बात को अपने मन में धारण करते हुए रामचरितमानस की कथा को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अनेक प्रश्न जो लोग उठाते हैं वो प्रश्न अपने आप हल होते हुए चले जाएंगे। अब ऋषि ने जब भगवान राम की क्षमता को पहचान लिया, मनुष्य रूप में उनकी क्षमता को पहचान लिया, और उनको एक तरह से विश्वामित्र राम का परीक्षण भी करते चल रहे हैं कि मैंने तो अपने ज्ञान से समझ लिया है कि ये ईश्वर के अवतार हैं, पर हैं तो मनुज अवतार ही ना, काम तो उन्हें मनुष्य के रूप में ही सारे करने हैं। तो जब उन्होंने पहचान लिया कि यह समर्थ है, क्षमतावान है, तो उन्होंने विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जितनी विद्याएं उनके पास थी, शस्त्रों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे विश्वामित्र, उन्होंने अपनी सारी अस्त्र शस्त्र विद्या और उसके अलावा भी जितनी विद्याएं उन्हें आती थी, जो अतुलित बल तन को अतुलित बल और तेज प्रदान करने वाली थी, जिन विद्याओं से भूख और प्यास नहीं लगती थी, या भूख अन्न न खाने पर भी शरीर का तेज और बल घटता नहीं था, ऐसी विद्या उन्होंने दे दी जो उनके भविष्य में कितनी काम आने वाली थी, ये हम सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। आयुध सर समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि कंद मूल फल भोजन दीन भगत हितान। फिर वो अपने आश्रम में लेकर के राम और लक्ष्मण को आते हैं और उनको जलपान भोजन इत्यादि करवाते हैं। इस प्रकार रात वहां पर बीतती है और प्रातःकाल राम कहते हैं विश्वामित्र से कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, मैं आपकी यज्ञशाला और आश्रम की रक्षा कर रहा हूँ। दोनों भाई आश्रम की रक्षा में लग जाते हैं, यह देख करके कि अरे यज्ञ फिर शुरू हो गया, हमने तो सब विध्वंस कर दिया था और किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई यज्ञ इत्यादि करे। जब यह देखता है मारीच तो वो क्रोधित होके और अपने सहायकों के साथ वहां पर टूट पड़ता है। तब राम उसको बिना फल वाला एक बाण मारते हैं और वो 100 योजन सागर के पार जा गिरता है, और सुबाहु को वो ऐसा बाण मारते हैं जिससे उसका वध हो जाता है और उसकी पूरी सेना का संहार राम और लक्ष्मण कर देते हैं। मारीच को छोड़ना राम की नीतिज्ञता को दर्शाता है, अर्थात असुरों तक ये समाचार फैलाने वाला भी तो कोई चाहिए, मीडिया तो था नहीं कि वहां पे लग गया कैमरा और वो लेकर सबको बता दिया कि ऐसे 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 फलानी जगह में आंखों देखा हाल हुआ है। तो एक व्यक्ति को राम ने छोड़ दिया और ऐसा हताहत करके छोड़ा कि वो 100 योजन सागर पार अर्थात लंका में वो भागता हुआ या बाण के ही प्रभाव से वहां पहुंचा और उसने ये सारा समाचार पूरे असुर साम्राज्य को प्रदान कर दिया कि उत्तर में इस प्रकार का कोई बालक है जो बहुत वीर है और जिसने इस प्रकार ऋषियों मुनियों की रक्षा करना और राक्षसों का अंत करना आरंभ कर दिया है। वहां पर राम कुछ दिवस रहते हैं विश्वामित्र के आश्रम में और वहां पर बसे हुए लोगों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, उनको शिक्षण देते हैं, उनसे विद्या सीखते हैं। भगत हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, उनसे ज्ञान वर्धक बातें सुनते हैं। यद्यपि वो गुरु वशिष्ठ से ज्ञान लिए हुए उनको बहुत सारी बातें पता हैं, फिर भी वो धीरज के साथ सुनते हैं। हम लोगों के सामने कोई जरा सी बात कहने लगता है हम उसको बीच में काट, अरे हमको पता है, और हम उसमें अपना ज्ञान और जोड़ने लगते हैं। पर भगवान राम किस धैर्य के साथ सब कुछ सुनते हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीतते हैं तो विश्वामित्र फिर उनसे कहते हैं कि बहुत सुंदर एक धनुष यज्ञ हो रहा है, क्यों ना उसको देखा जाए। अब राम धनुर्धारी हैं और धनुष के प्रति उनका एक अलग ही चाव है, तो राम तुरंत तैयार हो जाते हैं, इच्छुक इच्छा उनकी हो जाती है। पर यहाँ पर कहीं भी स्वयंवर का वर्णन नहीं है, क्योंकि राम एक राजकुमार है, एक राजपुरुष है, स्वयंवर में बिना निमंत्रण के कोई भी राजपुरुष नहीं जाता है। इसलिए विश्वामित्र उन्हें धनुष यज्ञ और धनुष का दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। उनके मन में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, पर प्रकट रूप से वो ऐसा जाहिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पर वो किस मार्ग से ले जाते हैं इसके पीछे भी उनकी कुछ मंत्रणा ही है। वो जिस मार्ग से जाते हैं वहां गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है, उसकी जो वीरानगी है उसको देख करके राम पूछते हैं, इतना सुंदर आश्रम है पर यहाँ तो ना
बिल्कुल जड़वत हो रहा है, तो विश्वामित्र उनको गौतम की नारी अहिल्या की पूरी कथा बताते हैं और किस प्रकार वो पाषाणवत जीवन व्यतीत कर रही है उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह तुम्हारे चरणों की धूल को चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार अहिल्या का त्याग कर दिया है, सारे समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया है, कोई उसके पास नहीं जाता है, कोई उस आश्रम में पग नहीं धरता है, ऐसे आश्रम में राम जैसे ही पग धरते हैं तो उनके पग धरते ही उस धरा के स्पर्श करते ही अहिल्या को जब ये बोध होता है कि कोई व्यक्ति कोई मनुष्य, उसको तो पता था, गौतम बता गए थे कि कभी राम यहाँ से गुजरेंगे वो तुम तक आएंगे, पर उसको ये तो नहीं पता है कि ये जो आए हैं वही राम है। जब वो उनके सामने पहुंचती है और राम का जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार है, संवेदनशीलता है, उनके प्रति आदर है, सम्मान है, उसको देख के वो भाव विभल हो उठती है और जो पाषाणवत हो गई थी उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और वो फिर से उसके शरीर में संवेदना का संचार हो जाता है। वो भगवान की राम की बहुत प्रकार से विनती करती है और कहती है कि आज तुम्हारे दर्शन हो गए, इसलिए मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था वो तो मेरे लिए कृपा स्वरूप हो गया, अनुग्रह हो गया। ये भी इस बात की शिक्षा देता है कि जब हम लोगों पर कोई संकट आता है तो बड़े बूढ़े समझाते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमको वो बात उस समय समझ नहीं आती है, पर समय बीतने पर हम सबको इस बात का बोध होता है कि हाँ अगर ये ना हुआ होता तो आज ये कैसे होता। ऐसा ही अहिल्या के साथ भी होता है और भगवान के द्वारा उसको मान सम्मान संवेदन शीलता प्रदान करके वह इतनी सुंदर यहाँ पर छंद है, जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई से शीश धरी, कहती है कि जिन चरणों के स्पर्श से देव नदी गंगा प्रकट होती हैं, चरणों से स्पर्श से प्रकट होती है और शंकर उनको शीश पर धारण करते हैं, भगवान के चरण और शंकर का शीश, ऐसी गंगा और वही चरण आज मेरे सिर पर आपने स्पर्श कराया। यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि भाव विभल होके उसने अपना शीश राम के चरणों में धर दिया होगा। राम का जैसा आचरण हम लोग देखते हैं, जैसा व्यक्तित्व देखते हैं, उससे ये मुझे नहीं थोड़ा समझ में आता है कि उन्होंने अहिल्या के सिर पर अपना चरण रखा होगा। हाँ, उन्होंने अपनी संवेदनशीलता जरूर वहां पर रखी और भूमि ही पूरी पाषाणवत थी तो उस भूमि में जरूर राम ने चरण धरा होगा। ऐसा कहते हुए अहिल्या अपने पति के लोक को चली जाती है, अर्थात उसका स्वीकार्यता हर जगह हो जाती है राम की सम्मान देने के कारण। अब राम और लक्ष्मण मुनि के साथ आगे बढ़ते हैं और गंगा के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर भी विश्वामित्र गंगा किस प्रकार, पूरी कथा यहाँ पर अहिल्या ने गंगा का जिक्र किया, फिर आगे वही उन्हीं के चरणों से वो गंगा उपजी है और उन्हीं को विश्वामित्र किस प्रकार सुरसरी प्रकट हुई ये कथा सुनाते हैं राम को, और ऋषियों के समेत सभी ऋषि मुनि और भी ऋषि मुनि विश्वामित्र के साथ हैं, उनके साथ में सभी गंगा स्नान करते हैं और मुनियों का समूह जनकपुरी की ओर चल पड़ता है, विदेह के नगर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही नगर के समीप पहुंचते हैं उसकी जो सौंदर्य है, उसकी जो रम्यता है, उसको देख करके राम भाई के साथ बहुत हर्षित हो जाते, कैसी नर लीला कर रहे हैं, ऐसे जैसे नए शहर में जाके हम लोग बच्चे खुश होते हैं किशोर अवस्था के, वैसे ही राम हर्षित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और नगर का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है, जो भी उस काल के नगर की सुव्यवस्थाएं होती थी उन सब का वर्णन तुलसीदास जी यहाँ पर करते हैं, भवनों का, द्वारों का, नदियों का, तालाब, बाग, बावड़ी इत्यादि का। वहां पर एक आम के बाग में विश्वामित्र जी अपना ठौर ठिकाना बनाते हैं, क्योंकि उनके साथ राजपुत्र भी हैं और वो स्वयं एक महामुनि हैं, तो वो नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए नगर के बाहर ही वो अपना डेरा डालते हैं। पर जैसे ही राजा जनक को पता चलता है कि विश्वामित्र मुनि नगर के बाहर पधारे हैं तो वो जाते हैं और उनको आदर सम्मान के साथ उनकी कुशलता पूछते हैं, और उसी समय जब वो भेंट कर रहे होते हैं उसी समय उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, जो विश्वामित्र के लिए फुलवारी से फूल लेने गए थे। तो ये सांवले और गोरे दो किशोर को देख करके जनक जी अपने देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ चौपाई है कि विदेह देह कैसे भूल गया।
देह जो होती है साधन होती है, हमको कुछ भी प्राप्ति करनी है चाहे वो ब्रह्म की ही क्यों ना प्राप्ति करनी हो, देह साधन है। और जब ब्रह्म स्वयं सामने हो तो उस देह को भूल ही जाना चाहिए, वो भूल ही जाएगी। फिर वो उनका परिचय पूछते हैं विश्वामित्र से कि उनको ये इस तरह इतना सुंदर पूछते हैं क्योंकि मुनि के साथ हैं, तो पूछते हैं क्या ये ब्राह्मण कुमार हैं, पर ये शारीरिक सौष्ठव और इनका जो रूप रंग है उससे तो ये क्षत्रिय लगते हैं, तो ये क्या किसी राजकुल के बालक हैं। तब विश्वामित्र राजा जनक को उनका पूरा परिचय देते हुए बताते हैं कि ये दोनों सुंदर रूप गुणशील के जो धाम हैं, ये अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और किस प्रकार इन्होंने हमारे आश्रम की रक्षा के लिए इनको मेरे साथ राजा ने भेजा है। राजा जनक इन दोनों को देख देख करके उनके शरीर में रोएं खड़े हो रहे हैं, शरीर में आनंद की लहर दौड़ रही है। और इसके पश्चात राजा जनक विश्वामित्र से प्रार्थना करते हैं कि आप नगर में प्रवेश करें, यहाँ नगर के बाहर आप नहीं ठौर ठिकाना बनाएं। और राजा जनक उनको बहुत आदर सम्मान के साथ जनकपुरी ले जाते हैं और वहां पर सुंदर स्थान में उनको ठहरने की व्यवस्था कराते हैं। अब लक्ष्मण जी चूंकि छोटे भाई हैं, थोड़े अधिक चंचल हैं, तो उनको इच्छा है कि ये तो बाहर बाहर से नगर देख लिया और ये नगर तो अंदर से और भी सुंदर होगा, तो वो उनकी इच्छा को भगवान राम जान लेते हैं और संकोच के साथ मुनिवर से आज्ञा मांगते हैं कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो अगर आप आज्ञा दें तो हम लक्ष्मण को नगर घुमा भी लाएं और चूंकि दिन बीत रहा है तो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ऐसी वो मुनि से निवेदन करते हैं क्योंकि वही उनके माता पिता और गुरु अभिभावक सब कुछ हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुम किस प्रकार इस मर्यादा का पालन नहीं करोगे राम, तुम जाओ और लक्ष्मण की इच्छा अवश्य पूरी करो। इस प्रकार दोनों भाई नगर घूमने के लिए चले जाते हैं। नगर की गलियों में वो जहां जहां से भी फिरते हैं लोग बस उनको देखते के देखते रह जाते हैं। सभी एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, जब उनके रूप सौंदर्य का वर्णन पूरे नगर में फैलता है तो लोग अपने काम काज बिसरा करके उनको देखने के लिए चले आते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे जब कृष्ण वंशी बजाते थे तो गोपियां अपना काम काज भूल के चली आती थी, पर राम को तो वंशी भी नहीं बजानी पड़ी, वो तो सिर्फ नगर की गलियों से चल रहे हैं और लोग अपना काम धाम छोड़ करके उनके दर्शन करने के लिए भागे चले आ रहे हैं। और सखियां, स्त्रियां, पुरुष सभी अनेक अनेक प्रकार से अनेक प्रकार की भावनाओं में डूब रहे हैं, अनेक प्रकार से उनके सुंदरता का वर्णन कह रहे हैं। कोई कहती इतने सुंदर बालक, क्योंकि वहां पे सीता स्वयंवर का आयोजन होने वाला है और अनेक प्रकार के राजाओं ने भी आकर के जनकपुरी में डेरा डाला हुआ है जिनका बखान रोज ही रोज नगरवासी सुनते रहते हैं, पर जब इनको देखते हैं तो कहते हैं कि जानकी के लिए इससे सुंदर और सुयोग्य वर तो मिल ही नहीं सकता, ऐसा करना चाहिए राजा को कि अपना प्रण छोड़ दे और बस इनके साथ ही जानकी का विवाह कर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें जरूर हमारे पुण्य कर्म भी कहीं ना कहीं सहायक होंगे, क्योंकि अगर विवाह इनका हो जाएगा तो शायद हमको इनको दोबारा भी दर्शन करने का अवसर मिले, अन्यथा तो इनको हम लोग दोबारा कैसे कभी दर्शन कर पाएंगे। इस प्रकार बातें करते हुए पूरे नगर में राम लक्ष्मण के सौंदर्य, और न सिर्फ सौंदर्य, इसके साथ साथ जो उन्होंने इतने वीरता पूर्वक और अहिल्या के साथ संवेदनशील दो कर्म किए हैं, इसका भी नगर में प्रचार हो रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात यह है कि विश्वामित्र जी राम को लेकर के मिथिला तब गए हैं जब उन्होंने उनकी वीरता परख ली, उनकी निष्ठा परख ली और उनकी संवेदनशीलता भी परख ली। सीता के लिए सुयोग्य वर न सिर्फ वीर होना चाहिए बल्कि वो संवेदनशील भी होना चाहिए। इस प्रकार दोनों भाई घूमते हुए धनुष यज्ञशाला रंगभूमि जहां बनाई गई वहां पहुंच जाते हैं और छोटे छोटे बालक बड़े ही उत्साह के साथ उनके आगे पीछे डोल रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच के उनको एक एक संरचना दिखाना चाहते हैं जो संरचना वहां की बनी हुई है बिल्कुल स्टेडियम के अनुसार। आप सोचिए उस जमाने में भी तुलसीदास जी ने ऐसे कौन सा आर्किटेक्चर ऐसा था जहां से तुलसीदास जी ने ये सब लिखा, तो इस प्रकार की संरचनाएं होती रही होंगी जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक किया है।
जब वो वहां देख कर आ जाते हैं यज्ञशाला को, रंगभूमि को, फिर थोड़ी देर भी हो गई है क्योंकि बच्चों को भी नहीं नाराज कर सकते हैं, बेचारे इतनी चाव से उनको दिखा रहे हैं, फिर कहते हैं हमको देर हो रही है, मैं गुरु के पास जाने दो वरना हमको डांट पड़ेगी, क्योंकि हम भी इतने बड़े नहीं है, हम भी डांटे जाएंगे, अगर तुम घर जाओगे मम्मी पापा से डांट खाओगे तो हम भी अपने गुरु से डांट खाएंगे, ऐसा कह के वहां से फिर वो बच्चों से अनुमति मांगते हैं। कहीं भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, कहीं भी किसी को दुखी नहीं करते, और गुरु के पास आते हैं और थोड़े संकोच में झिझक के आते हैं कि भाई थोड़ी देर हो गई है क्या कहें, पर विश्वामित्र के फिर रात में चरण चापते हैं और दोनों भाई जा करके लेट जाते हैं। और जब उठे लखन मिस विकट सुन अरुण सिखा धुनिकान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। जब सुबह मुर्गे की बांग सुनाई देती है, अरुण शिखा मुर्गे को कहते हैं, तो पहले लक्ष्मण जागते हैं और गुरु से पहले राम जागते हैं, यानी लक्ष्मण जागे फिर राम जागे फिर गुरु जागे। इस बात को आप लोग आगे ध्यान रखिएगा, जब आपको सीता जी के दर्शन करने के बाद कौन पहले जगता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है। छोटी सी बात में तुलसीदास जी ने बहुत बहुत गहरे प्रेम की बात वहां पर कह दी है। और नित्य क्रिया करते हैं फिर उसके बाद गुरु के पूजन का समय जान करके, और उनके लिए पुष्प इत्यादि लेने के लिए दोनों भाई बाग राजा के बाग की ओर जाते हैं, जहाँ वसंत ऋतु की शोभा ऐसी है कि सबके मन को लुभा लेने वाली है। बहुत सुंदर सुंदर फूल पुष्प खिले हुए हैं, पंछी कुंज में कलरव कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे सुंदर प्रसंग आने वाला है, पर हमको सारा कुछ सुंदर नहीं कहने को मिल सकता है। हमने जन्म कह लिया और हमने विश्वामित्र के साथ जाना, जो उनका सबसे आवश्यक एम लक्ष्य की ओर इंगित करने वाला था वो कह लिया, तो इतना भाग्य मेरे लिए बहुत है। इसके आगे जब दूसरा कोई सीता और राम के आपस में प्रथम दर्शन का जो कहेगा, हम उसका आनंद लेंगे। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। विनीता जी मुझे एक चीज पूछनी थी, अनुमति होगी इसके बाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू विनीता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, गजब का, बहुत शानदार, बहुत सुंदर विनीता जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आज समय पर रहे कि नहीं पहले आप हमें ये उसी पर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, एकदम स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं ना वैसे। बिल्कुल समय के अनुसार, समय के मर्यादा में आपने 40 दोहों को पर इतने संक्षेप में समरी में दी। तो आज आदरणीय विनीता जी ने बालकांड, आज 8वां क्लास है इस रामायण अध्ययन क्लास का, तो वह 187 से 227, तो 40 दोहों का, 40 दोहों में जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसके बारे में हमें बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि क्लास का समय जो पढ़ाने का था वो समाप्त समय होने जा रहा है, पर इसके बाद में हम चाहे जितना बैठ सकते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तरी के लिए, बात करने के लिए, चर्चा के लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद में विद्यार्थी का मन ना करे तो चला जाए क्लास छोड़ के, कोई बात नहीं, और क्लास के बीच में ना जाना चाहिए। तो एक दो विल ओपन इट फॉर क्वेश्चन आंसर्स, पर मैं एक दो बात करना चाह रहा था। एक तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार कहते हैं ना फिल्मों में, तो किरदार जो आज इसकी कथा में आए हैं वो विश्वामित्र जी, उनका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। बहुत कम समय के लिए सिर्फ अभी आज आए हैं और 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद में वो चले जाएंगे, बाद में उनके दर्शन नहीं होंगे। तो उनके बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं, तो दो पुस्तकें उनको मैं आपके पास आपको रेफर करूंगा। एक है, बताता हूँ, अगर वो इसमें शायद नहीं दिखेगी मेरे, चलो मेरे पीछे सब मेरा कमरा बिल्कुल, पर मैं कोई बात नहीं आपसे क्या छुपाना। तो एक किताब यह है विश्वामित्र, और इसको लिखा है ब्रजेश के बर्मन। सो विश्वामित्र जी के बारे में जो भी साहित्य है हमारा, उसके पर आधारित ये उपन्यास है, उपन्यास रूप में है।
तो इसको प्रकाशित किया है भारतीय ज्ञानपीठ ने और ये 2009 में प्रकाशित होता है। तो जो विश्वामित्र जी के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो दिस वन रेफरेंस। दूसरी है जो पुस्तक विश्वामित्र जी के बारे में वो हमारी अपनी विनीता जी द्वारा लिखी हुई है और इसका नाम है विश्वामित्र के राम और ये काव्य संग्रह है। इनमें इनकी 70 कविताएं हैं और आपको सबसे बड़ी कविता कह लो खंड काव्य कह लो वो विश्वामित्र जी पर है। तो विश्वामित्र जी पर बड़ा अध्ययन है विनीता जी का। तो और ये पुस्तक तो सुलभ है अमेजोन वगैरह पे प्राप्त है विनीता जी। हाँ तो आप अमेजोन पे इसको ले लीजिए विश्वामित्र के राम। इसमें मुझे भी कुछ इधर उधर का दो चार शब्द लिखने का मौका इन्होंने दिया है और वो तो उसको उस पार्ट को छोड़कर बाकी किताब बहुत बढ़िया है। तो आप उसको देख रहे विश्वामित्र जी के बारे में वो ये काव्य स्वरूप में 70 कविताएं आपको तो मुख्य कविता है यही है। तो ये आज की हुई क्लास 8 और आज का कंटेंट का क्विज था 7 है। जो क्विज नंबर है क्लास नंबर से एक कम है क्योंकि पहली क्लास तो इंफॉर्मेशन के बारे में थी। तो क्विज 7 में अभी 10-15 मिनट पहले मैंने देखा था अब तक 63 विद्यार्थी हम सब विद्यार्थी हैं विद्यार्थी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। विद्यार्थियों ने क्विज 7 को दिया है और उसमें स्कोर इज वेरी गुड एवरेज स्कोर इज 9.29/10 मतलब बिल्कुल परफेक्ट स्कोर सबका आ रहा है और आपका सबको परफेक्ट स्कोर आना चाहिए क्योंकि उसी क्विज को आप बार बार दे सकते हैं। क्या मान लीजिए आपका पहली बार 2-4 नंबर आए तो दोबारा करिए उसको प्रायः कितनी बार करिए चौथी बार करिए। तो ये जैसे मैंने कहा बार बार ये क्विज नहीं है ये सीखने की एक प्रक्रिया है और यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। हम वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल रहे कि हम फट कितनी जल्दी हम इसको करें ये तो उस स्पिरिट में मत जाइए। अभी एक संदेश मुझे मिला कि मैं बहुत जल्दी करना चाहता था। वी आर नॉट इन एनी कॉम्पिटिशन आपके स्वयं से अपने से कॉम्पिटिशन है कि अभी मेरे 5 आए तो 5 से 7 कैसे हैं 7 से 10 कैसे हैं। और क्विज का डिजाइन इस तरह से है कि वो आपको रामायण खोलने के लिए प्रेरित करेगी। बिना रामायण खोले आप क्विज को नहीं कर सकते। वो बिना रामायण खोले हम क्विज को बना भी नहीं सकते। हमको रामायण खोल के बैठते हैं तब हम क्विज को बनाते। तो द होल आइडिया इज टू इनकरेज एवरीबडी टू ओपन रामायण रीड रामायण अंडरस्टैंड रामायण इसके पीछे ये उद्देश्य है। ये कोई परीक्षा नहीं है कोई टेस्ट नहीं है। हमने एक मानस में प्रिय दोहा पर नवंबर दिसंबर पर चर्चा करेंगे तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म डाला था उसमें अब तक 10 रिक्वेस्ट आई हैं और उसको मैं इस सप्ताह अगले 3-4 दिन में समाप्त कर दूंगा। तो मानस की किसी दोहे पर या दोहों पर आप बोलना चाहें और बोलने का मतलब आप जानते हैं यहाँ पर आके इसे दोहा पढ़ना नहीं है गाना नहीं है दोहे को समझाना है। दोहे का जो शाब्दिक अर्थ तो ठीक है उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है गूढ़ अर्थ क्या है और सबसे बड़ा उसका उपयोग क्या है। अब आज आपने सुना होगा गीता जी को उन्होंने हर लाइन पर उसकी जीवन में उपयोगिता बताई है चाहे उसका शिष्टाचार से हो चाहे जीवन में किसी के पहलू में उसका उपयोग हो सकता हो तो वो एनालिसिस बहुत आवश्यक है। तो आप इस गूगल फॉर्म को भरें अगले 2-3 दिन और मैं खुला रखूंगा उसके बाद मैं क्लोज इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द प्रोग्राम ऑन दिस। अगली क्लास है जो 9वीं क्लास होगी उसमें आदरणीय राम गिरीश द्विवेदी जी भोपाल से 227-254 पर चर्चा करेंगे तो उसका अध्ययन आप आरम्भ कर दें आज से ही। और इसके ऊपर जो क्विज 8 है 8वीं क्विज है आज की क्लास के बाद में पोस्ट कर दूंगा तो ताकि आप अध्ययन करेंगे तो वो क्विज को देंगे तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा और आप और आनंद आएगा। तो ये अगला प्रोग्राम है क्लास में सर्टिफिकेट आप क्लास में हर कोई आमंत्रित है तो आप अपने इष्ट मित्रों कहीं है वो क्लास में आए पर क्लास का सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो क्लास में 70% अटेंडेंस जरूरी है और 70% क्विज को देना जरूरी है। पर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो कोई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली इनकरेज की टू बोथ आप क्लास में भी आइए और भी दीजिए। अब और भी 2-3 मेरे पास अनाउंसमेंट है पर मैं बहुत बोर निकलना चाहता पर एक बात अभी इस आगामी रविवार को 9 तारीख को वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जी तो आदि कवि हैं हम जानते हैं तुलसीदास जी बार बार उनका जिक्र करते हैं रामचरितमानस में
तो हम शनिवार को जो हमारा साप्ताहिक शनिवार की ऑनलाइन गोष्ठी है उस दिन वाल्मीकि जयंती पर कुछ चर्चा करेंगे। तो उस दिन हमारे पास तीन विद्वान वक्ता हैं जो बात करेंगे। पहले प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी जो वाल्मीकि कौन थे उस पर बात करेंगे। आपको करीब जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था आई थिंक जून 2020 में हमने प्रोफेसर अग्रवाल जी को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने तो वाल्मीकि जी और वाल्मीकि रामायण पर बड़ा विस्तार से बात की थी। उन्होंने स्वयं ने वाल्मीकि रामायण पर पीएचडी थीसिस की है, और उनके बाद में श्री नीलेश ओक जी जिन्होंने हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो कब लिखे गए और कब राम हुए कब कृष्ण हुए उन पर बहुत जबरदस्त रिसर्च की है, तो उनको भी एक बार आमंत्रित किया था। तो वो हिस्टोरिसिटी या वाल्मीकि पर बात करेंगे कि वाल्मीकि जी कब हुए। और अंत में हमारे अपने राकेश जी जो यहाँ पर हैं श्री राकेश कुमार चौबे वे वाल्मीकि के राम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये शनिवार का कार्यक्रम रहेगा। पर अब मैं यहाँ पे मैं रुकता हूँ और आपके कोई आज के वक्त पर कोई प्रश्न हो कोई आपके कमेंट हो या और जो आज बात हो रही है उस संदर्भ में जो भी कुछ आप कहना चाहें तो द फोरम भी ओपन राइट नाउ। जय श्री राम, आपका स्वागत है। हाँ भाई प्रश्न है हाँ एक मिनट आप सुमिता जी बोल रहे हैं फिर आप आइए। आज पहली बार दोहा 225 में राम जी के बारे में एक सुंदर शब्द पढ़ा, जानकी जीवन। राम जी जानकी जी का ही जीवन है बस। आज तक हम और बहुत से नाम से संबोधित करते थे, सिया राम और सब कुछ, बहुत अच्छा लगा ये जानकी जीवन। और दूसरी बात कहनी है कि दोहा 192 में निषाद राज गुहा के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं तुलसी बाबा कि बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो, तैयारियां सब करो, परंतु देखिए कि वो शत्रु भाव से आ रहे हैं, मित्र भाव से आ रहे हैं या न्यूट्रल भाव से आ रहे हैं, उदासीन, फिर उस हिसाब से काम कीजिए। बस हमें पक पक पे सीखना है। जय सिया राम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टिप्पणी आपकी। अच्छा हाँ बोलिए स्मृति बोलिए। हाँ मुझे ये 193 दोहे में नंदी मुख श्राद्ध है, ये क्या चीज है? नंदी मुख श्राद्ध कहते हैं, जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है तो पूर्वजों का पितरों हमने शरीर पाया है अपने पूर्वजों की वजह से, तो ये ऋण होता है। और जो भी जब जन्म होता है तो पशुवत ही होता है, उसको जब संस्कार किए जाते हैं तो जो भी उस समय श्राद्ध किया जाता है, जैसे मृत्यु के समय श्राद्ध होता है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का जो आना और जाना है वहां पर जो अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। जब यहाँ से कोई गया उस श्राद्ध को हम सब लोग जानते हैं, जब इस संसार में कोई आया तो भी उन पूर्वजों की कड़ी में कोई जुड़ा, तो श्रद्धा स्वरूप जो संस्कार किया जाता है ये शायद चौथा संस्कार होता है मनुष्य के जीवन का, उसको नंदी मुख श्राद्ध कहते हैं। राकेश चौबे जी शायद इसमें कुछ और डिटेल से बताना। नमस्कार विनीता जी, मैं जो अंश और अंशी की आपने जो बात कही जी, तो इसमें अंश और अंशी की बात कही आपने जी, तो उसमें दो बातों का मैं आपसे वो चाहूंगा। एक तो जो वर्णन है इसमें कि एक भाग में से आधा भाग जो है वो माता कौशल्या को दिया और आधा जो बचा उसका आधा माता कैकेयी को दिया, और वो जो आधा बचा वो दोनों माताओं के हाथ में रख के और माता सुमित्रा को मतलब उनकी आज्ञा से दिया गया। जी। तो अब अंश और इसके बाद अगर अब अपन नामकरण पे आए जी, तो वहां पर मैं जो समझा मेरे हिसाब से जो तो राम को बाबा तुलसी ब्रह्म की उपाधि देते हैं जी। और ये तीनों जो है उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश समझाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लिखा है। एक को पालक बताया है ना, एक को बहुत जो मतलब लक्ष्मण जी के जो कैरेक्टर है उनको शिव के कैरेक्टर से मिलाने की कोशिश करी है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता था कि क्या लिखना है, मतलब क्या सोच सकते हैं इस बारे में। ये आप देखिए रामायण सतकोट या पारा तो 100 करोड़ है, तो भाव भी सतकोट से अधिक ही है। तो वही है कि आप इसको ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं, परंतु उससे पहले ब्रह्म से उसकी आदि शक्ति जो रूप धारण करती है। तो
तो ब्रह्मा विष्णु से पहले फिर आदि शक्ति है, क्योंकि वो भी प्रकट रूप है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ वो ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ पर प्रतीक रूप में है। और ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी सृष्टि का संचालन होता है तो चूंकि ये संसार तो सगुण है, साकार है, साक्षात है, तो इसके संचालन के लिए जब सगुण रूप धरना पड़ता है तो उसमें इस प्रकार से विस्तार होता है। राम तो देखिए निर्गुण रूप में ही रहे, संभाव में ही रहे, पर उनके अंश तो संचालित कर रहे हैं, वो उस त्रिगुणी शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं, है तो सब एक ही। अभी इसी में किसी ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था कि हम तो उनको विष्णु का ही अवतार आज तक समझते थे। तो जो भेद में डाल देता है हमको कभी कभी, हमको उस भेद से दूर करने के लिए तुलसीदास जी इस तरह से उन्होंने रचना करी है कि अब आप लोग उसमें लगाइए और सोचिए समझिए कि क्या है। जी विनीता जी, बहुत सारे पिक्चर आते रहते हैं, उसमें दिखाते हैं कि शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, और एक जो है वो धनुष है उनके, और एक जो है वो गदा है, चक्र है, तो उनके पार्ट है, आयुध है ये दोनों, शत्रुघ्न और भरत, और लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, इस तरह बताया गया है बहुत जगह। देखिए जो हमें समझ में आता है रामचरितमानस के द्वारा ही, जगह जगह पर लक्ष्मण को शेष कहा गया है और सब अलग हो गए हैं, परंतु राम लक्ष्मण और सीता साथ ही चल रहे हैं, और तुलसीदास जी ने ही उन्हें कहा है कि जैसा ऐसा लगता है जब वो चल रहे हैं वन पथ पर कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही है। कहते हैं अब जीव जो है संसार में जब आया है तो कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन है, और कर्म का फल है या तो सुख या दुख, क्योंकि या हम पाप कर्म करेंगे या हम पुण्य कर्म करेंगे, तो ये पाप और पुण्य करते रहने से हमारा जो बैलेंस है उसमें या तो हमको सुख हमारे खाते में रहेगा या दुख रहेगा, तो यदि सुख रहेगा पाप रहेंगे तो हम दुख भोगने आएंगे, और पुण्य रहेंगे तो हम सुख भोगने आएंगे, तो शेष कुछ ना कुछ शेष हमारे बैलेंस में सदा बना रहता है, इसका नियंत्रण शेष करते हैं, और इसी को कहते हैं उन्होंने धरती को धारण या ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। आज आप देखिए किस टेलीस्कोप से शेषनाग जी दिख रहे हैं कि उन्होंने धारण कर रखा है, जो कर्म का सिद्धांत है उसके कारण यह सारी सृष्टि चल रही है, कुछ ना कुछ शेष सबके खाते में है, जहां शेष नहीं रह गया वही मोक्ष है, वहां मुक्ति है। तो इस यही है, मुझे यही समझ में आता है कि कर्म का जो फल है और माया उसमें बीच में रहती है, वो जाने नहीं देती है कि वो ब्रह्म से मिल जाए, वो नहीं चाहती, क्योंकि संसार चलाना भगवान ने उसके सुपुर्द किया है कि संसार चलाओ, तो माया और लक्ष्मण, लक्ष्मी और लक्ष्मण मिलकर के संसार को चला रहे हैं, ब्रह्म तो आगे आगे चल रहा है और सब उसी ओर भागेंगे, क्योंकि जो जहां से आया है वो जाना वहीं चाहता है। एक प्रश्न मेरा भी है विनीता जी, आप ही के प्रश्न का शायद हम उत्तर दे रहे थे, अब आप लोग हमें अब पढ़ के आइए और हमें समझाइए जो हम नहीं स्पष्ट कर पाए। नहीं नहीं, ओम जी ने कहा था किताब पढ़ के आना, तो मैं तो पढ़ के आया था, पढ़ रहा था, अटक गया एक दो जगह, तो इसीलिए पूछता हूँ। है आज्ञा है आपकी? नहीं नहीं, कहिए कहिए। हाँ मैं तो ताड़का हमारी बहुत प्रिय है, हमारे गांव के पास ही उसका घर था, ताड़का हमारी गई थी, विश्वामित्र का आश्रम विशात है गांव, हम लोग के गांव से दूर है। तो इसमें जो है कि इतना मेहनत करके 500 किलोमीटर गए और राम जी को लेके आए, ताड़का को मारने के लिए उसका 2 लाइन वर्णन है। दूसरा हमें जो लगा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते निष्पद दीना, दीन जान करके, तो उसमें मैं देख रहा था कि गीता प्रेस की टीका में कि दीन जान करके उनको अपना दिव्य स्वरूप दिया, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप उसको दे दिया। और दूसरी जगह देख रहा था मैं वो मानस पीयूष में तो दिया है कि वो औरत है, वो तामस की रूप है, इसलिए सबसे पहले कोई काम शुरू करने के पहले उसको मार दिया, जैसे कृष्ण जी ने पूतना को मार दिया,
जैसे हनुमान जी ने सिंका को मार दिया, ये तो वर्तार्थ नहीं। तो दूसरी जगह अखंडानंद जी ने कहा कि वो दीन भगवान के प्यारे हैं, दीन समझा उसको और उसको अपनी शरणम रविंद की प्राप्ति कराई, उनको चरण में ले लिया। तो ये आपने बताया कि लिंग भेद नहीं करते हैं ब्राह्मण, मगर ऐसा नहीं है, वो तो नर लीला कर रहे हैं तो औरत और मर्द में तो भेद करेंगे। उन्होंने नहीं किया, वरना ताड़का को छोड़ देते कि स्त्री है, इसको जाने तो क्षमा कर दो इसे। नहीं नहीं, वो तो तामसी अवतार है, उसको मारने से कृष्ण जी ने पूतना को मारा और सिंहिका को हनुमान जी ने मारा, इसीलिए उनको मार के। आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है मलिक जी? आप अपने प्रश्न ये है कि ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ तुलसीदास जी कि निज जान दीन जान उनको वो क्या करना चाहते हैं? वो तो बहुत स्पष्ट है, मुझे आश्चर्य है प्रश्न कर रहे हैं। विश्वामित्र जी उनको क्यों लेने लेवा के लाए? वो इसलिए लेवा के लाए कि जो दुष्ट उनको यज्ञ वगैरह नहीं करने देते, उन दुष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, और वो दुष्ट है, उसने आकर यज्ञ में विघ्न डालना चाहा, इसलिए उसके प्राण हर लिए। इससे आगे और क्या आपका प्रश्न है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बताइए ना। आप पूतना और राम मलिक जी के मैं प्रश्न का उत्तर देती हूँ, मैं समझ गई हूँ थोड़ा बहुत कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जब किसी को मृत्यु, जब शरीर के साथ ही सारी उसकी दुष्टता है, जब उसका शरीर उन्होंने ले लिया, हर लिया, वध कर दिया, जो पाप कर्म अत्याचार कर रहा था, तो अब तो उसका शरीर चला गया, तो अब तो उसको दीन ही मानेंगे ना भगवान, कि अभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार करें। और भगवान के संपर्क में जो भी आएगा, ये आप पूरा रावण तक पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले उन्होंने उसकी बुराई को खत्म किया है, और जब उस जीव ने मृत्यु चाही है तभी उन्होंने उसको मृत्यु प्रदान की है। ये हमको और आपको नहीं समझ में आएगा, पर भगवान को समझ में आता है। रावण नहीं मर रहा था, जब रावण तैयार हो गया मरने के लिए तभी भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की। मुक्ति हमारी इच्छा से होती है, हम इस संसार में बंधे रहना चाहते हैं, हम खुद नहीं जाना चाहते यहाँ से छोड़। जब हम इच्छा करते हैं तब भगवान हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, और जैसे ही उसका भाव बदला भगवान ने उसे अपना पद प्रदान किया। इसका जवाब विभीषण, जब अंत्येष्टि के समय रावण के, तब भी राम जी यही बात बोलते हैं जो मलिक जी बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। उनकी बुराई खत्म हो गई भाई, अब उनका अंतिम संस्कार करो, विभीषण बोलता मैं नहीं करूंगा, तब भी यही भाव जागृत होते हैं। जो हमारी हमारा जो वेद का जो ज्ञान है वो देह निर्भर है ही नहीं, वो देह से बंधा नहीं है, वो स्त्री पुरुष ये सब कुछ नहीं मानता है, वो सिर्फ जीव मानता है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चर्चा और बड़ा अच्छे प्रश्न और अच्छे निराकरण, और ये तो स्वयं अध्याय वाली बात है। प्लीज अपने आप म्यूट रखे अन्नपूर्णा जी। अब एक मैं एक शब्द के बारे में कहूंगा जिसके जिसकी वर्तनी में हम सब गलती करते हैं, वो है शब्द अहल्या। वो अहल्या है, अहिल्या नहीं है। हम प्राय 99% हम अहिल्या लिखते हैं, पर सही उसकी वर्तनी अहल्या, हा पर ई की मात्रा नहीं है। जो जब हमने संक्षिप्त रामायण बनी की रचना हुई थी तो उस समय हमको अहिल्या लिखा था, किसी ने हमें बताया तो हमने सुधार कर दिया। तो चूंकि हमने गलती की है, और आप गीता प्रेस की भी उसमें देखेंगे, वो अहल्या शब्द अहिल्या नहीं। तो जस्ट और एक इस रविवार को जो हमारे इस क्लास के शिक्षक गण हैं उनके साथ में एक मैं मीटिंग आयोजित कर रहा हूं, तो अब तक जो क्लास हुई है उसकी फीडबैक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया तो क्लास में आए हैं। प्लीज राकेश जी आप म्यूट रखें अपना। अगर आप किस आपके इस क्लास को तो ये 60 क्लास हो चुके हैं, तो अगर
आर्ट क्लास क्यूमुलेटिवली पूरा देखने के बाद में आपको लगता है कोई सुझाव हो और कोई नई दिशा आप हमें देना चाहें तो प्लीज हमें आज गुरुवार हुआ है शनिवार तक लिख दें ताकि उस पर हम सब चर्चा कर सकें। और जो भी शिक्षक गण सब जो आप पधारे हुए हैं आज यहाँ तो रविवार को विल मीटिंग एट 9 o'clock इंडिया टाइम, तो मैं उसकी मैसेज डाल दूंगा और we'll discuss how the class is going and what changes if any we should be making for future. तो उसके साथ ही समापन करें तो वीडियो चलता ही रहेगा, पर जैसे मैंने कहा बार बार ये स्वयं के अध्ययन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, स्वयं अध्ययन करें आपको आनंद मिलेगा। और एक जो बहुत बेसिक जो आज विनीता जी ने कई बार वो शब्द का प्रयोग किया प्रोटोकॉल, उसका एक हिंदी अनुवाद है शिष्टाचार। तो एक शिष्टाचार है ये क्लास का, किसी भी क्लास का, कि हम अपना वीडियो ऑन रखें। हम क्लास में जाके वीडियो ऑफ नहीं रख सकते, ये आप कहीं से क्लास भी जाएंगे तो वहाँ आप पर्दा या घूंघट या वो पहन कर नहीं जा सकते। सो दिस बेसिक कर्टसी, दिस इज अ क्लास टू कीप वीडियो ऑन जहाँ तक संभव हो, फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है तो चलो कभी वीडियो ऑफ हो तो कोई बात नहीं। सो अगर तो प्लीज कीप वीडियो ऑन, सो बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट इन दिस क्लास, ये क्लास में आप विद्यार्थी हैं, सो राइट। सो जहाँ तक संभव हो आप वीडियो ऑन रखें ताकि शिक्षक को पता लगे आप वीडियो ऑन है, आप क्लास में ध्यान दे रहे हैं। जब हम क्लास में जाते हैं आप पढ़ाते हैं तो आपकी अपेक्षा होती है कि आपके विद्यार्थी जग रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको ध्यान दे रहे हैं, और वो आए वहाँ पर और एक पूरा बुरका पहना हुआ पूरा या घूंघट लगाया हुआ तो पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर। तो दिस इज आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, यस ये बेसिक शिष्टाचार की बात है। तो जहाँ तक संभव हो प्लीज कीप योर वीडियो ऑन प्लीज, कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो कि हम नहीं कर सके तो प्लीज डू दैट, पर जहाँ तक संभव हो ये कोई कहने वाली बात नहीं है, प्लीज कीप योर राइट। जैसे हम क्लास में कहते हैं भाई सब शांत रहो, आवाज मत करो, अल्लाह मत करो, इधर मत देखो, वो बात यहाँ लागू होती है। सो आपसे मेरा विनम्र निवेदन, इस पर जरा ध्यान दें और प्रयास करें शनिवार को आ सकें तो कुछ वाल्मीकि रामायण के बारे में भी जाने, तो वाल्मीकि जी के बारे में भी जाने। और क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने अय्या का अर्थ पूछा, ओम सर्वेशम स्वस्थिर भवतु, सर्वेशम शांतिर भवतु, सर्वेशम पूर्णं भवतु, सर्वेशं मंगलं भवतु, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम वसतु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां व्रतं गमय, ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।